वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अनीता जी की दुनिया में। और आज देखिए दोस्तों क्या हो रहा है खेतों में, आपको ये दिखाने वाले हैं। और आज होने वाला है बहुत बढ़िया व्लॉग। आज आपको दिखाएंगे कि धान जो चावल होता है उसे कैसे खेती करते हैं। तो धान के बीज की मैंने आपको वीडियो बहुत पहले शेयर करी थी, और पापा और मैं चल रहे हैं अभी खेतों में। आपको सबसे पहले धान के बीज दिखाएंगे और उसके बाद धान का खेत तैयार कैसे करते हैं वो भी दिखाने वाले हैं बहुत जल्द। तो इस वीडियो में बने रहना भाई, पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा कि आपको धान के खेत दिखाने में। वैसे गेहूं का तो ठीक ही रहता है, पर धान के लिए पानी काफ़ी चाहिए होता है। पर ये मौसम भी थोड़ा देख लो, बारिश वाला हो जाता है। और आपको सबसे पहले बीज दिखाएंगे धान के। यहाँ पे पापा धान के बीज निकाल रहे हैं, और धान के बीज निकाल निकाल के ना उसको ऐसे तैयार करा जाएगा, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये धान के बीज ऐसे रेडी कर रहे हैं, और इसको अभी खेत तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर डालेंगे। ठीक, इस तरीके से बना बना के रखा जाएगा यहाँ पर। और फिर उसके पहले आपको खेत दिखाते हैं, खेत कैसे तैयार होंगे ना पापा। खेतों में पानी डाला जा रहा है, इस तरफ से आपको दिखाते हैं। देखो भाई पानी आ रहा है चारों ओर से खेतों में। अभी कुछ दिन पहले इन खेतों में काम हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी होगा। और इन्हीं खेतों से फिर क्या करेंगे कि ये जो जुताई हुई थी ना, तो इसी में पानी जा रहा है, इसमें खूब पानी भरेंगे आज, मान के चलो, नहीं भी तो 3-4 घंटे पानी चलेगा यहाँ पर आज। 3-4 घंटे देख रहे हो वो पानी जा रहा। और इसमें पानी जाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि क्या होगा। ये तो अभी पानी मतलब पूरा पूरा लेवल में आ जाएगा ना, पूरा पूरा यहाँ तक पूरा भर देंगे इसको। और जो धान के बीज निकाल रहे हैं ना, इसमें लगाए जाएंगे।
मथुरा वाला। आज पापा बना रहे हैं बेडमी पूड़ी मथुरा वाली भाई। और इसकी रेसिपी भाई आपको पता कहाँ मिलेगी? नहीं पता तो बता देता हूँ, लाला जी का ढाबा यूट्यूब चैनल पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुहाना है। आए भाई बहुत दबा के काम चल रहा है सारे खेतों में, लगातार इतना काम चल रहा है कि यहाँ से लाइन तो सारे खेतों में काम चल रहा है। क्या पता आज का दिन अच्छा हो चले, सब लोग खेत में खेती कर रहे हैं। पापा ने सारा सामान निकाल लिया है, इसकी रेसिपी मैं शूट भी कर रहा हूँ। अभी खेत तैयार हो रहा है, ट्रैक्टर आया है, ठीक यहाँ भी अभी पूरा जो भी खेत में पानी वानी होगा ना सब बराबर करेंगे। देखो ठीक है, पूरा ट्रैक्टर भाई, भैया लोग भी आए हैं, भैया गेट खोल देते हैं। भाई उठा लीजिए, भाई दो उठा लीजिए, बाकी सब सामान वही जब है बेटा, तभी तो नहीं पकड़ा लो। मम्मी भी आ चुकी हैं और मम्मी आलू छील रही है फटाफट से आकर। सुबह सुबह सारा अंजलि झाड़ू वाड़ू पोछा अच्छा सब लगा दी। अभी चल रहे हैं भाई खेत में, बिस्कुट और पानी लेके। भैया लोग आए हैं ना तो देख भी लेंगे कहाँ से काम कर रहे हैं और अपना पानी भी लेकर आ जाएंगे। काम शुरू हो चुका है यहाँ पे, शाम को जैसे गए थे ना सुबह यहाँ से काम, तभी चले गए घर। आज भाई चारों तरफ धान ही धान बोया जा रहा है, और ऐसी है कि इसको मैं डेडिकेटेड धान बोने के लिए बना दूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है और क्या बताऊँ मैं आपको, आज सब जगह बस धान बोया जा रहा है, सब जगह। आज इतना ट्रैक्टर चल रहा है, लाइन से ट्रैक्टर चल रहे हैं भाई। अभी तक आपको ट्रैक्टर की और बोरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है। अभी भी लास्ट पीछे यहाँ पर हुआ है, और ये तो वीडियो ऐसी है कि पूरी डेडिकेटेड वीडियो पूरे धान की बन जाए, पर हम अपना फुल डे कवर करते हैं। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा पर आप लोग देखिएगा ज़रूर। और जब धान की खेती होती है ना, हाँ दादी हेलो दादी, और जब धान की खेती होती है तो इतना मज़ा आता है कि पूछो मत। दादी ले आना, ठीक है तो अभी जब धान पड़ेगा तो ड्रोन शॉट लेंगे, और हो सकता है कि मैं ड्रोन शॉट इसमें लगाऊंगा। अभी उतने परफेक्ट तो नहीं ले पाता हूँ, पर यह है कि थोड़े बहुत काम चलाओ लग जा रहे हैं। कल के शॉट अच्छे आए थे काफ़ी सारे, और आज के देखते हैं कैसे आते हैं शॉट्स। काफ़ी लोग मतलब अभी भी देखो काफ़ी लोग खेत में काम वाम कर रहे हैं यार, अभी तक वैसा काम नहीं करा जाता पर अभी भी काम हो रहा है बिकॉज ऑफ मौसम अच्छा है। हम लोग तो किसान जान हैं तो भाई मौसम को देख के बहुत ज़्यादा हमारा खेती पर डिपेंड करता है। अगर इस बार बारिश अच्छे से हो गई तो खूब चावल मिलेगा, बस कोई मतलब बोलते हैं पछुआ बह गया कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और दादी इसलिए बोल रही, दादी बोल रही थी कि मेरा फसल है उस पर धार लगा देना, तो मैंने कहा ठीक है दादी ले आना। ये क्या हो गया मम्मी, इतना धुआं धुआं कैसे हो गया, ये देखना भाई। यहाँ पे देखो रेती से ऐसे धार लगा देते हैं हम लोग। आप लोग भी भाई ऐसे रेती खरीद लेना और लगा सकते हो अपने फसल असूल चाकू वाकू में धार। तो मतलब इससे क्या होता है कि अगर नहीं धार लगाने वाले नहीं भी हैं तो अपना काम चाहिए। भाई देखो एकदम धार मस्त लग गई है, टेस्टिंग कर रही है मम्मी। ये लो मम्मी तो आराम से कटाई रेगा, ये देखो है ना मम्मी, ये देख रहे हो ये भाई धार की टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। क्या काटोगे, हार्ड चीज काट के देख रहे हो क्या? मम्मी बोल रही चलो इसी को अब काटते हैं। ये देखो भाई सही चल रही है टेस्टिंग।
ठीक है दादी? हाँ, ठीक है। यहाँ पे पापा बना रहे हैं और दादी को बोला कि रुक के जाना, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो अभी खाएंगे, दादी को खिला देंगे, दादी को टेस्ट कराएंगे। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, धान बोना भी शुरू हो गया है। फाइनली हमारी यहाँ पे बेड में पूड़ी की प्लेट पूरी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे पापा ने बेड में पूड़ी बनाई है और यहाँ पे फ्राई मिर्च मसालेदार चटपटी वाली, ये रही सब्जी और ये रहे प्याज। तो फटाफट से इसको भाई दादी को देते हैं। दाल के सतुई की टेस्टी लगती है क्या? काल टेस्टी लगे लगती ना, बता दी। ठीक लगती है, बढ़िया, अच्छा है, टेस्टी है, बहुत बढ़िया। बेटा बनाया है तो और टेस्टी लगेगा। लड़का बनाया है, बहुत बढ़िया लगा। नाती बनाया, बेटा बनाया, नाती बनाया, अच्छा लगता है। आप पतोहिये बनाई तो अच्छा लगे? पतोहिये बनाई तो ठीक लगे। पतोहिये बनाई तो अच्छा, ठीक समय पर आई नहीं है रहुआ, सवेरे नाश्ता के टाइम पे बढ़िया से। भाई इधर हमारी बेनी पूड़ी की प्लेट रेडी हो रखी है, अब बिना किसी देरी के खा लेंगे। चलो भाई आपको थोड़ा सा चेक करके दिखाते हैं, भीड़ में पूड़ी खाते हैं। तो इधर लक्की ट्राई कर रहा, कैसा बना है? मस्त बना है बता रहा है। इधर लक्की की दादी ट्राई कर रही है। तो भाई बढ़िया लग रहा सब्जी, हम लोग भी खाएंगे बाद में। अभी मैं जा रही हूँ, एक रेसिपी मेरा सूट है, वही सूट करूँगी। चाची से बोल रही हूँ, चाची कसार बनवा दीजिए, सिखा दीजिए। अभी नहीं करा, कब पारी बताई ना? तो अभी परवा दे हम। हाँ अभी परवा दे हम कह रही हैं। दादी को तो खूब पसंद आया, बोल रही है ना कि भात से खाने लायक सब्जी मस्त भइल बा। फिर बोल रही है कि चावल से खाना है। चावल से खाना है, हिंदी खूब बोलती है दादी। और दादी बोल रही है ना कि हम बना के आज बनी तो के खाई, हम बोले चल के सधा दे। चल के सधाना है, हाँ चलो। चलो भाई हम भी खा लेते हैं, पापा यहाँ पे बना बना के रख रहे हैं, मैं थोड़ा सलाद काट रही हूँ, उसके बाद खाते हैं सभी। यहाँ पे पापा और अंजलि खा रहे हैं और मैं चलता हूँ भाई थोड़ा खेत में, टहल के भी आया था, और काम का स्टेटस भी देखना बहुत ज़रूरी है। अंजलि भाई जैसे व्हाट्सअप का स्टेटस देखना ज़रूरी है, वैसे काम का स्टेटस देखना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा फूला हुआ था, कच्चा तो है ही, लोग क्या करेंगे, कच्चा है, फूला भी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी निवान कर दे रहे हैं। ये वाला थोड़ा सा फूला हुआ है ना, वो यहीं से बस और कहीं से नहीं। अभी फूल लो नहीं, कभी एक महीना लगी फूले में। तो ये अमरूद दूसरा बार फल रहा है ना, पहला फल फला था तब भगवान जी को। अच्छा अच्छा, वो रुको रुको रुको, लो ये छोटा वाला भी हो गया। मम्मी हरी फल पर नहीं, छोटा वाला हुआ, वो मस्त, ये वाला मस्त हो रखा है। खाएगी अंजलि? खाऊंगी, पहले खा लूं। एक नंबर, भूल मत, खेत में जा रहे हैं। बोल भैया ऐसे अमरूद देख के तोड़ूंगा अब, जो तो पता ही नहीं था कि मेरे पेड़ पे अमरूद हो गए। देखो भाई मस्त, जितना भी बढ़िया था ना भाई अमरूद, सब तोड़ लिए हैं थोड़ा थोड़ा, और पेड़ के अमरूद की बात ही अलग है। अपने पेड़ के कुछ डाला नहीं है, नेचुरली हो रहा है, बस पानी नहीं डालते हैं भाई। पानी तो वो बहुत पहले डालते थे, तो डालना ही बंद कर दिया हम लोगों ने, पहले डाला करते थे। चलते हैं का बाबू, ना उड़ाई नहीं बाबू। हाँ मैं ना जब ड्रोन उड़ाता हूँ ना, तो क्या होगा ना, काफ़ी सारे कुत्ते आ जाएंगे देखो, फिर ना मतलब ड्रोन को देख के आवाज़ से ना परेशान होने लग जाते हैं, तो भौंकने लग जाएंगे, पीछा करने लग जाएंगे। वो देखो भाई धान की बुआई हो रही है, देख रहे हो, यहाँ भी धान की बुआई हो रही है, सब जगह धान ही धान बोया जा रहा है। देखो
सब जगह धान धान बोया जा रहा है आज, देख रहे हो सब जगह धान बोया जा रहा है, यहाँ भी वहाँ भी, दिखाता हूँ आपको, मज़ा आता है भाई। सामने दादा खेत भी तैयार कर रहे हैं, वो देखो भाई वहाँ पे धान बोया जा रहा है, देखो हो रहा। जा रहा हूँ खेत से घर, ड्रोन शॉट लेंगे भाई इसका, बहुत बढ़िया ड्रोन शॉट आएगा आज वाला एकदम। तो